टेम्पर्ड ग्लास गार्ड कैसे लगाएं घर पर ही। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर से ही टेम्पर्ड ग्लास गार्ड लगा सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल के ऊपर। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, किसी भी शॉप पे नहीं जाना है आपको, ये भी बताऊंगा कहाँ से आप बाय करेंगे, प्लस ये जो है आप घर से ही सेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये जो है प्रोडक्ट ऑर्डर किया था स्प्रिंग स्टोर की तरफ से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये वाला ऑर्डर करके आप घर पे ही ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पुराना फ़ोन है या फिर न्यू बाय करते हैं, तो आप बेसिकली फ़ोन को ख़रीदने के बाद जाते हो शॉप पर कि भाई इसका ग्लास गार्ड लगा दो, तो इस बेटर कि आप घर पे ही लगा लो। एंड ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इसको सेट नहीं कर पाओगे, कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा किट मिलता है इसके अंदर, जो मैंने बुक किया है बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। जितना आप दुकान पर जाते लगवाते हो उससे भी बढ़िया ही है आपको, ठीक है। तो अब ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये ऑर्डर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर एक ग्लास गार्ड मिलता है और टेम्पर्ड ग्लास गार्ड है, बहुत ही सॉलिड है, मतलब इसकी जो रेटिंग है एंड ये जो कंपनी है खासकर प्रोड्यूस करती है, लाइक अगर आप जैसे कि अपने बैक कवर्स, केसेस एंड कवर एंड लाइक इस तरीके के जैसे ये होते हैं ना ग्लास गार्ड, टेम्पर्ड ग्लास गार्ड, इनकी रेटिंग भी बहुत ही सही है इनकी वेबसाइट पर। आई थिंक यहाँ पे 4.9 की समथिंग की रेटिंग है, तो डेट सा मुझे काफ़ी सही लगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे सेट करना है। तो फिलहाल ये मैंने न्यू फ़ोन परचेज़ किया था, तो अभी जो है मैं इसको, यहाँ पे आपको एक किट मिलेगी इसके अंदर, इसके अंदर सारा कुछ दिया होता है इन्होंने आपको, जो है स्क्रीन को क्लीन करने वाला एक कपड़ा दिया होता है साथ के साथ, दोस्तों आपको स्टीकर्स दिए होते हैं ताकि आप कोई डस्ट जो है क्लीन कर दें। अभी आपको इसी के अंदर सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि आप कैसे इसको घर पर ही सेट करेंगे। ऑर्डर कर लेना, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो है कॉटन का इस तरीके से कपड़ा मिलता है, जो देखो अगर आप घर पे ही सेट करें ना, तो एक तो जैसे कि आप बाय करके दुकानदार से भी लगवा सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा घर से ही करो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसको लगाने का तरीका बहुत ही सही है, बट अगर आप गलत करोगे तो सही से नहीं लगेगा। तो आपको ना इसके अंदर वैसे बताया हुआ है कैसे आप लगा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बट पढ़ो मत अब। तो सबसे पहले तुम्हें काम क्या करना है, अपनी क्लीन करो जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, सॉरी अपनी नहीं मतलब फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ करो, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, मतलब अच्छे तरीके से, एक भी डस्ट नहीं रहना चाहिए बढ़िया से। सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर स्टीकर वगैरह भी मिल जाते हैं, ये इन्होंने बताया कि कैसे यूज़ करना है, एंड इसके अंदर और तुम्हें मिलेगा ताकि आप अच्छे से डस्ट को क्लीन करें अपनी स्क्रीन के ऊपर से, ठीक है। तो फिलहाल मैं फटाफट से ये चीज़ भी कर लेता हूँ, तुम्हें मैं सिखा देता हूँ, राइट। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं। एंड एक्चुअली ये चैनल किसी पार्टिकुलर नीश पर तो बेस्ड नहीं है, बट इस पर आप अगर फॉलो करते हैं हमें, तो आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता है यहाँ पे, लाइक कोई प्रॉब्लम आती है वो भी, ठीक है। तो अभी जैसे कि मेरे पास ही ना कपड़ा था, तो इससे मैं क्लीन कर लेता हूँ। वैसे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने किट में, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, कहीं अलग से मत साफ करना, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था डेट्स है, तो जैसे मैं इनका यही वाला यूज़ कर लेता हूँ जो इनकी किट के अंदर निकला था, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से क्लीन करो, एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वाटर डाल दो, देखो मैंने यहाँ पे छींटे डाल दिए पानी की, तो आप एक दो बूंद वाटर डाल दो, ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, एंड हो सके तो बढ़िया से थोड़ा लाइक 3-4 मिनट लगा के इसको साफ़ करना, ठीक है। एंड जब ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से साफ़ करो, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ना मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना कि आप थोड़ी सी ना लाइट वाली जगह पर चले जाना जहाँ पर देखे आपको क्लियरली एक भी यहाँ पर। तो अब ये जैसे कि इसके अंदर जो कपड़ा निकला था, तो इसको आप चेकआउट कर लेना कि अच्छे से साफ़ करो। देखो यहाँ पे मैं और भी आपको सही से दिखाता हूँ, ये दिए इसीलिए जाता है कि आप बेटर तरीके से साफ़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से और क्लीन कर लेते हैं इसको, तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कुछ भी शायद मेरे को यहाँ पर डस्ट नहीं लग रही है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, वैसे इसके अंदर स्टीकर दिए हैं, तो स्टीकर मत ही यूज़ करना, इसके अंदर दूसरे वाला जो कागज़ दिया है वो, उससे जो है आप यहाँ पर जो इसके ऊपर जैसे कि जो पार्टिकल्स पड़ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो वो जो है आप यहाँ से इस तरीके से हटाएंगे, ठीक है। 2-3 कपड़े देते हैं इसके अंदर, तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। मतलब जो एक अलग कपड़ा देते हैं उससे तो आपको क्लीन करनी है स्क्रीन को, उसके बाद 2 कपड़े जो देते हैं उससे जो है डस्ट पार्टिकल्स हटाएंगे आप। अब बारी आती है इस ग्लास गार्ड की, ठीक है। तो अभी आप इसको इस तरीके से हटाएंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी पैकिंग बहुत सही होती है, इसको ऊपर से इस तरीके से आप पकड़ें, एंड यहाँ से आपको इसको धीरे से हटाना है, तोड़ मत देना, वैसे टूटेगा नहीं, बहुत सही है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 बारी गलती की, इसको सही से लगा नहीं पाया, तो आप वो गलती मत करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैसे आप स्टिकर की मदद ले सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा आप कैसे इसको सेट करें। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको जो है आप गलती से पीछे की तरफ टच मत करना, नहीं तो आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग जाएंगे। तो अभी जो है हम दोबारा से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर डस्ट पार्टिकल आ जाता तो यार ना यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार इसके अंदर बूंदे दिख, जैसा कि आप सभी ने काफ़ी बार देखा होगा कि कई बार जो है कोई हम टेम्पर्ड ग्लास गार्ड लगवाते हैं, नॉर्मली लगवाते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि गोले टाइप के जैसे
एयर भर जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए होती है क्योंकि आप सही से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ये से गलत कर दिया मैंने, आप ध्यान से देखो, लास्ट में आपको बताऊंगा मैंने गलती क्या की, अभी ये गलत हो गया है। क्योंकि आपको जो ना ऊपर से रखना है, पर पीछे की तरफ आप देखें, ये देखो ऑटोमेटिकली कवर करने लग जाता है, ये ऑटोमेटिकली चिपकने लग जाता है। तो ये देखो यहाँ पे देखो बूंदे दिख गए ना, इसका मतलब मैंने सही से नहीं लगा पाया, ये मैंने गलत। तो गाइस इसके अंदर जो बूंदे दिख रही है ना, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने गलत कर दिया, इसको लगाते टाइम ध्यान नहीं दिया। अब ये क्या होगा ना, इसको वैसे एक बात बताऊँ, आप जैसे टेम्पर्ड ग्लास का डी लगा रहे होते ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको दोबारा से उतार सकते हैं। बट ऐसा मत करना कि 10-15 बार उतारते ही रहो बार बार, एक दो बार मतलब 2-3 बार उतार सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये कंपनी का जो सामान है, प्रोडक्ट बहुत सही है, तो इसे मैंने कवर भी ऑर्डर किया था। वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मैंने इनसे पैसे लिए, मेरे ऑनेस्ट रिव्यू हैं, दैट्स राइट, ठीक है, कोई लिंक विंक नहीं मिलेगा आपको। तो अभी जो है मैं इस तरीके से तुम्हें जो है दोबारा से इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैंने गलती कर दी थी पहली बार भी। तो अब जो है आप ध्यान रखना कि क्या करना है आपको, ऊपर से सबसे पहले देख लो फिट बैठ जाना चाहिए चारों तरफ से, इस तरीके से देखो दोनों, इस तरीके से देखो, सबसे पहले इसको रख ही देते हैं। एंड इस तरीके से सबसे पहले दोनों साइड देखो कि कवर हो रही हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकलना होना चाहिए। और ऊपर की साइड भी ध्यान रखना है कि ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ना ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे कि पूरा एकदम सपाट नहीं छोड़ देना है, जैसे कि नीचे एकदम सटा के नहीं छोड़ना है, ऊपर से धीरे धीरे छोड़ना है ऊपर वाली साइड से। तो वो क्या होगा ना, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा ऑटोमेटिकली उसको चिपकता चला जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ इस तरीके से ऊपर से, ठीक है, मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब पूरा सटा के मत रख देना इसको, ऊपर से धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है, ऊपर से। तो जब जैसे ही ऊपर से छोड़ोगे तो अपने आप ही देखो कवर कर लेगा। आप देखो तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है। तो जैसा गाइस मैं दोबारा से उसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है कर सकते हो आप, 2-3 बार इसको सही कर सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। बस ध्यान रखना कि ऊपर से इसको नीचे की तरफ छोड़ना है, मैंने गलती क्या कर दी, इसको सटा के रख दिया था बिल्कुल ही, मतलब बराबर पर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, ऊपर से इसको सही कर लो पहले, इस तरीके से ऊपर से छोड़ना है। देखो इस तरीके से लगाया, अब जाके सही बैठा है। अब जैसे कि मैंने दोनों तरफ से देख लिया कि हाँ ये बाहर नहीं निकला है और बराबर पे है, तो ऊपर से आपको छोड़ना है, बीच से नहीं छोड़ना है इसको, ऊपर से छोड़ना है कवर, लाइक इस तरीके से, जैसे ऊपर की तरफ चिपका दिया, अब छोड़ दो उधर से। तो अब जैसे आप छोड़ोगे उधर से, वो ऑटोमेटिकली वो जो स्क्रीन के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भैया मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा ना नेड़े लाकर आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो अभी आपको देखोगे कि मैं इसकी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कवर करने लग जाता है, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो धीरे धीरे देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से छोड़ना है इसको, जहाँ से आपका ऊपर कैमरा है ना वहाँ से छोड़ना है इसको, एंड कवर अपने आप नीचे की तरफ जाता हुआ उसको चिपकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचा खुचा रह जाएगा इसके अंदर गोले टाइप के, वो कैसे हटाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर खुद ही वो किट दी हुई है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप घर से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, वैसे लगा लोगे इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने पहले बार ट्राई किया था। तो इसको ना ऊपर से छोड़ना है, ऊपर से लगा के एकदम बीच से मत इसको चिपका देना, वो क्या होगा ना फिर गोले गोले रह जाएंगे। ऊपर से छोड़ोगे ना तो कवर ऐसा डिज़ाइन है कि जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ऑटोमेटिक इसको चिपकता चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहीं पे आपको गोला दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा, देखो है, ये इतना बेस्ट है। तो आई होप यार वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल रही होगी, प्लस हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में, अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं इसको, राइट।